नमस्कार, ज्योतिष जिज्ञासा में आपका स्वागत है। मैं पंडित दिनेश चंद्र, मैं आपके लिए लेकर आया हूं नए साल का वार्षिक तोहफा, यानी वार्षिक राशिफल 2020। इस राशिफल में हम आपके साथ एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेंगे जिसके बगैर आप इस साल के उन क्षणों का लाभ पाने से चूक सकते हैं जिन पलों में आपकी किस्मत बदल सकती है। क्या आपको पता है कि साल 2020 के किस महीने की किन तारीखों में किया गया आपका फैसला, कोई भी किया गया शुरू कार्य आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है? क्या आपको मालूम है कि नए वर्ष के किन महीनों की किन तारीखों में आपकी किस्मत का कनेक्शन जुड़ा हुआ है? यानी ऐसी कौन सी तारीखें हैं इस साल 2020 में कि उन तारीखों में आपकी किस्मत बदल सकती है? आइए आज हम आपको बताएंगे कि इस साल 2020 के इन महीनों की इन तारीखों पर आपका भाग्य कैसे बदल सकता है। राशिफल 2020 में आपकी राशि के अनुसार महीने की शुभ तारीखें बताई गई हैं, तो फिर देर किस बात की? चलिए जानते हैं साल 2020 में कौन सी तिथि आपके लिए होगी भाग्यशाली, जिन पर शुरू किया गया कोई भी काम सफलता की सोपान तक बिना रुकावट आपको पहुंचाएगा। तो आइए अब हम बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। ए तुला राशि वाले, राशि चक्र की ये सातवीं राशि है तुला राशि, और इस राशि के जो स्वामी है वो शनि है। हम तुला राशि वालों के लिए साल 2020 की कौन सी तारीखें शुभ हैं वो लेकर के आए हैं, इस पे हमने चर्चा आज करनी है, आज आपको बताना है इसमें। तो साल 2020 का जो सबसे पहला महीना है वो जनवरी का महीना है। तो जनवरी के महीने में कौन सी तारीखें तुला राशि वालों के लिए शुभ है वो हम बताने जा रहे हैं। वो है 1 तारीख, 12 तारीख, 20 तारीख और 31 तारीख, यानी 4 दिन है। जैसे ही नया साल शुरू हो आपके लिए शुभ ही शुभ हो, अच्छा ही अच्छा हो, तो इन तारीखों को आप गांठ बांध दो, इन तारीखों को याद कर लो कि 1 तारीख, 12 तारीख, 20 तारीख और 31 तारीख, और इन तारीखों पर अपने पिछले सालों में अगर आप किसी काम में असफल होते रहे हैं, आपको उनमें सफलता नहीं मिली है, या आप कोई अपना काम शुरू करने वाले हैं, तो आप इन तारीखों पर आजमाइए। इन तारीखों का आपकी किस्मत से कनेक्शन जुड़ा हुआ है। ये यूं ही नहीं है तारीखें, ये जो हम आपको लेकर के आए हैं, ये सारी तारीखें जो बता रहे हैं पूरे साल की, हर महीने में कौन कौन सी तारीखें आपके लिए शुभ है, तो ये ज्योतिष की गणना के अनुसार है। जैसे आप दैनिक राशिफल देखते हैं, साप्ताहिक राशिफल देखते हैं, मासिक, वार्षिक, जो भी आप अपना राशिफल देखते हैं, तो उसमें कई कई दिन आपके लिए बहुत ही शुभ होते हैं, लेकिन ये जो तारीखें हैं उसी राशिफल के अनुसार जो सबसे महत्वपूर्ण राशियां हैं, यानी चंद्रमा का जो भ्रमण होता है राशियों में, उसके अनुसार राशिफल का आकलन किया जाता है। तो उनमें से जो राशि, जो तारीखें आपके लिए बहुत ही शुभ है वो हम लेकर के आए, वो चुनकर लेकर के आए हैं, सिर्फ इसलिए कि आप इन तारीखों को याद रखिए और आपको इन तारीखों से बहुत ही फायदा मिले। तो जनवरी के महीने में, यानी नए साल का जो पहला महीना है, वो तुला राशि वालों के लिए 1 तारीख, 17 तारीख, 20 तारीख और 31 तारीख, ये तारीखें बहुत ही शुभ हैं। आप इन तारीखों पर ठोस फैसला लीजिए, अच्छा काम शुरू कीजिए, अपने ऐसे काम जिन पर आपको असफलता मिली हो आप यहां से शुरू करिए, आपको सफलता मिलेगी मिलेगी। फरवरी का महीना इसके बाद आता है। हम बात करते हैं फरवरी के महीने की, यानी फरवरी के महीने की पहली तारीख 17 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख और 29 तारीख, ये तारीखें बहुत ही शुभ हैं तुला राशि वालों के लिए। तो ये तारीखें आप मिस ना होने दें, किसी भी तरीके से ये तारीखें ना जाने दें, इस पर आप अपना काम शुरू करिए और आप कोई ठोस फैसला लीजिए और
आपके कोई ऐसा काम है जिस पे आपको लगातार सफलता नहीं मिलती आ रही है, आप तारीफों को पर शुरू करके देखिए, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। कोई भी नया काम शुरू करिए। इसके बाद आता है मार्च का महीना। मार्च के महीने में तुला राशि वालों के लिए साल 2020 में 4 तारीख, 15 तारीख, 22 तारीख, 29 तारीख, यानी ये जो 4 तारीख है, 4 दिन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन दिनों की जो इस महीने की ये जो तारीखें हैं, इनको मत भूलिए। आपका किस्मत बदल सकती है तारीख। हम इसीलिए लेकर के आए हैं आपके लिए कि आप इन तारीखों पे आप आजमाइए, इनको देखिए। इसके बाद अप्रैल का महीना आता है, गर्मी शुरू होती है। अप्रैल के महीने में तुला राशि वालों के लिए पहली तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख और 30 तारीख, यानी इन तारीखों में अप्रैल के महीने में उनके लिए बहुत ही शुभ साबित होने वाली है। और इन तारीखों को अपने भाग्य के कनेक्शन से जोड़ करके देखें, आपको सफलता मिलेगी इन तारीखों में। मई का महीना आता है, मई के महीने में पहली तारीख, 10 तारीख, 16 और 27, यानी ये 4 दिन है मई के महीने में तुला राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ है। इसके बाद जून का महीना आता है। जून के महीने में यानी गर्मी के दिन होते हैं, आंधी तूफान भी आता है इस महीने में, लेकिन इन दिनों में जब आंधी तूफान सब कुछ आता है, उस दौरान में कुछ तारीखें ऐसी हैं तुला राशि वालों के लिए जो उनके जिंदगी में सफलता का तूफान ला सकती हैं। वो तारीखें हैं 2 तारीख, 3 तारीख, 14 तारीख, 18 और 25 तारीख। इन तारीखों पर बिल्कुल आप इन तारीखों को ना भूलें, ये बहुत ही शुभ है आपके लिए। आपको क्या करना है, आपको पहले से डिसाइड करना है कि इन तारीखों पे हम ये चीज शुरू करने जा रहे हैं। आप देखिए आपको सफलता मिलती है कि नहीं, मिलेगी ही मिलेगी, आप इन तारीखों को मत भूलिए। इसके बाद हम बात करते हैं जुलाई के महीने की, यानी बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। इस बारिश के मौसम में अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी किस्मत भी बरसात करने लगे, आपके भाग्य की सफलता की बारिश होने लगे, तो आप इन तारीखों पर देखिए, आजमा के तारीखें आपके लिए शुभ हैं। पहली तारीख है, 22 तारीख है, 28 तारीख है और 31 तारीख, यानी जो 4 तारीखें हैं आपके लिए बहुत ही शुभ साबित होने वाली हैं और ये आपके जीवन में सफलता की बारिश करा सकती हैं। सिर्फ आपको इन तारीखों को ध्यान रखना है, ध्यान रखने के साथ साथ इन तारीखों पर आपको कोई ठोस फैसला लेना है, देखिए फिर आपको सफलता मिलती है कि नहीं। इसके बाद आता है अगस्त का महीना। बारिश इस महीने में भी होती है, लेकिन आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है बारिश कम हो या ज्यादा। आपको फिक्र करना है तो सिर्फ इन तारीखों की फिक्र करना है जो आपकी किस्मत को बदल सकती है। वो तारीखें पहली तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख और 26, यानी जो 4 दिन ऐसे हैं आपके लिए बहुत ही शुभ साबित होने वाले हैं, आप इन्हें मत भूलिए। इसके बाद महीना आता है सितंबर का, यानी सितंबर के महीने में धीरे धीरे बारिश भी कम होने लगती है, मौसम भी बदलने, 15 सितंबर से मौसम बदल शुरू हो जाता है। जो एक उमस भरी जिंदगी होती है, धीरे 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 मौसम में भी बदलाव आता है। ऐसे में अगर आप अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं तो इस महीने में भी आपके लिए कुछ तारीखें जो बहुत ही शुभ साबित होने वाली हैं, इन पर लिया गया फैसला आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है। और ये जो तारीख है, पहली तारीख है, 14 तारीख है, 15 तारीख और 30 तारीख, यानी 4 दिन ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत ही शुभ साबित होने वाले हैं। इनको देखिए, इन्हें आप आजमाइए। इसके बाद अक्टूबर का महीना शुरू होता है। अक्टूबर का महीना ऐसा महीना होता है, यहाँ ना ज्यादा सर्दी होती है ना ही गर्मी, यानी ये महीना आपके लिए, इसके बाद जो सर्दियों का टाइम शुरू हो जाता है, इस महीने में अगर आप अपनी किस्मत चमकाना चाहते हैं तो इन तारीखों को भूलें, बिल्कुल ना भूलें, किसी भी हालत में ना भूलें। 8 तारीख है, 14 तारीख है, 17 और 30 तारीख, ये 4 दिन ऐसे हैं, अगर इन 4 दिनों को आपने अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर लिया तो आपकी किस्मत बदल सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं
अक्टूबर नवंबर महीने, यानी नवंबर का महीना जिस पे सर्दी शुरू होती है, यहां से सर्दी की शुरुआत हो जाती है। और ऐसे में जो है आपके लिए साल 2020 में नवंबर के महीने में भी कुछ ऐसी तारीखें हैं जो बहुत ही शुभ साबित हो सकती हैं। आप इन तारीखों पर कोई भी फैसला लीजिए, आप कोई अपना नया काम शुरू कीजिए, रुका हुआ कोई काम शुरू करिए, आपको सफलता मिलेगी। ये तारीखें खास हैं आपके जीवन में, बार बार नहीं आती हैं। नवंबर के महीने में पहली तारीख 6 तारीख 19 और 22, यानी ये जो 4 दिन हैं ये आपके लिए बहुत ही खास हैं और इनको आप बिल्कुल मत भूलिए। फिर आता है दिसंबर का महीना, यानी साल का आखिरी महीना, और इस आखिरी महीने में आपके लिए कुछ तारीखें हैं जो बहुत ही शुभ हैं, उन तारीखों को आप बिल्कुल मत भूलिए। यानी जाते जाते साल में आप फायदा उठा लीजिए, आप देखेंगे कि आपकी किस्मत बदल गई। यानी दिसंबर के महीने में तुला राशि वालों के लिए 2 तारीख 3 तारीख 16 तारीख और 19 तारीख बहुत ही खास है, और इन तारीखों पर वो बिल्कुल से इनको भूलने की जरूरत नहीं है, और इन पे आप अच्छा अपना कोई काम शुरू कीजिए, जो रुका हुआ काम है उसे आप शुरू कर सकते हैं, आप कोई अहम फैसला ले सकते हैं और आपको इन तारीखों पे सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप अपने सुझाव और अपने सवाल हमें मेल कर सकते हैं। अगर हम आपके भेजे गए सवाल और सुझाव का हम पूरी तरह से स्वागत करेंगे और हम आपको जवाब भी देंगे और संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो आप इसे अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में शेयर करें, और ज्योतिष से जुड़ी पल पल की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।